नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में महाभविष्यवाणी करने वाले हैं और यह भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है, जो भी भविष्य फल बताया गया है, वह पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है। बता दें कि अगले 24 घंटे में आपका समय कैसा रहने वाला है। आपको बता दें, यह समय आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्त, एक आदर्श, एक शक्ति से आपका सामना होगा। यह शक्ति आपके आसपास ही होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों की छाल के कारण आपकी जीवन में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जिम में कई प्रकार की खुशियों को देंगे, लेकिन आपको प्रत्येक कार्य में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो दोस्तों, जितना आपने पाया है उससे दुगना आपको इसमें खोना पड़ेगा। दोस्तों आपको बताएंगे इसमें आपको किन किन चीजों को लेकर यह समय इन दिनों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और कौन से कार्य को करने से आपको लाभ होगा और आपके सभी रुके कार्य पूरे होंगे। आपका यही संघर्ष, यही मेहनत अब आपका भाग्य चमकाने जा रही है। दोस्तों, अब ईश्वर भी आपकी लगन देखकर खुश हो चुके हैं, इसलिए अगले 24 घंटे में आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिन जिनको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। अपने जिसे हर समय अपने मन में दबा कर रखा, ऐसी इच्छाएं अगले 24 घंटे में पूरी होने वाली है। दोस्तों, आपका सपना सच होने जा रहा है और जब यह सपना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक सी बात है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है और इस बदलता चला में यदि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, अब आप जो मर्जी चाहे कर लीजिए होगा, वही जो यह शक्ति चाहेगी। दोस्तों, और आपको जानकारी के लिए बता दे कि आज के इस वीडियो को केवल नसीब वाला ही देख पाएगा, क्योंकि जिनके नसीब साथ देने वाला है उनके सामने ही यह वीडियो आई है और उन्हीं लोग को इस शक्ति का साथ भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही बड़े बड़े चमत्कारों से भरने वाला है। दोस्तों, आपके पैरों तले अब जमीन खिसक जाएगी जब आपको इस शक्ति का साथ मिलेगा। दोस्तों, जो आपके दुश्मन है वह तो एक कमरे में जाकर बहुत ही रोने वाले हैं और जो लोग आपसे जलते हैं वह जल जल कर धुआं बनकर उड़ने वाले हैं। जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके परिवार को बिल्कुल खुश नहीं देखना पसंद करते, दोस्तों उन लोगों को यह शक्ति ऐसा मजा चकाएगी कि वह अपने उम्र भर कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि माता रानी और बजरंग बली का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेत के बारे में जो एक आदर्श शक्ति के होने पर आप लोगों को महसूस अगर हो तो समझ जाना कि कोई ना कोई आदर्श शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। और साथ ही बात करेंगे आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में, जिसमें अगले 24 घंटे होने वाले बड़े बदलावों के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में 11 संक्षिप्त जानकारी। आदर्श शक्ति के होने का यह देवी शक्ति होने का पहला संकेत होता है, अच्छा चरित्र। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं।
यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वत ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। दोस्तों, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। दोस्तों, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। देवी शक्ति का एक दो गुण यह है, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। दोस्तों, देवी शक्ति का 8वां संकेत, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। दोस्तों, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। रोशनी का पुंज। दोस्तों, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहां आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सान्निध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। दोस्तों, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो दोस्तों, यह थे कुछ देवी शक्ति के संकेत जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो यदि आपको भी ऐसी देवी शक्ति का आभास हो, तो दोस्तों, आप इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आप लोगों को यह एक बड़ा फल दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपको धन की लेन देन को लेकर के सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को भी धन दिया है, अब तक वापस नहीं मिला, उल्टा आपको बुराइयां ही मिली है।
दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, पैसा तो आपका फंसेगी, बदले में आपको बुरा नहीं मिली। व्यापार में जो भी पैसा लगाया है वह एकदम डूब गया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधरा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी आदत यही है कि आप भावनाओं में भागकर पैसे रुपए को लेकर उनकी तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं, आपके दुश्मन आपके अपने में ही छपी है। याद रखना है, बाहर से कोई आपका बात बराबर में नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं, और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जहां दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता और ना ही आपका कोई लिहाजा तक करता है। तो बस यही वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है, और दोस्तों थोड़ी सी सावधानी से रुपया पैसा आप अपने लिए भी बचा कर रखें। अब आपको होशियार बन जाना है। जब भी कोई आपसे होशियापंती की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लेगी अपने जब इसको पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए आपको वापस मिले थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा वीडियो होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा तभी तो बुराई लेकर आता है। दोस्तों, मैं आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है तो आपको ऐसा रुपए देने से पहले होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधर देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है, तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी, और दूसरी समस्या आपकी है केवल खर्च को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में भागकर पैसा खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपके जीवन में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं, बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फसल खर्ची करते हैं वह भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, या मैं आपके जीवन में रहते पैसे का ख्याल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप प्रॉपर पैसे को संभाल लेंगे तो रिश्ते रोकेंगे, और यदि आप ग्रुप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी देखते हैं, सुनने में जिसको भी इंसान को आप रुपए पैसे वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा, तो इसे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपनी आर्थिक खर्चे पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जो व्यापार है उसमें एक से बढ़कर एक अड़चना आ रही है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपको शारीरिक कष्ट से भी परेशानी है, पत्नी और बच्चों के सामने आपके खिलाफ उनका भड़कते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही सावधान रहना होगा।